अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो रेसिपी है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी क्योंकि हमने इसमें नूडल्स का इस्तेमाल किया है और नॉर्मली बच्चों को नूडल्स बहुत पसंद होते हैं। ये बहुत ज़्यादा इजी है और इसमें हमने सिर्फ एक सब्ज़ी का इस्तेमाल किया, अगर आप चाहें तो और का भी कर सकते हैं। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले हमने लेना है नूडल्स, उसको इस तरह से बॉयल कर लेना है और फिर हमने लेने हैं आलू। इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक जूनियर कट करना है इनका। लौकी लेंगे हम और एक प्याज लेंगे, और प्याज हम ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्याज पसंद नहीं होते। और इसमें हम हरा धनिया डालेंगे, 3 अंडों का इस्तेमाल करेंगे और मोज़रेला चीज़। अब हम अपने मिसालों की तरफ आते हैं। इसमें हमने नूडल्स जो लिए थे उसका मिसाला लेना है, काली मिर्च लेनी है और ये कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा, और ये चाट मसाला लेंगे और थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे क्योंकि जो ये नूडल्स का मसाला है इसके अंदर ऑलरेडी नमक होता है। उसके बाद हमने ले लेना है एक बाउल, उसके अंदर हमने 3 अंडे डालने हैं, उसको फेंट के इसको हमने तोड़ना है और तीनों अंडों को बीच में डाल देना है। ये 3 अंडे हमने इसमें डाल लिए हैं। अब हम हमारी जितनी भी सब्जियां थी हम सारी इसमें मिक्स कर देंगे। और अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले ये नूडल्स का मसाला डाल दिया हमने, उसके बाद काली मिर्च, भुना कुटा जीरा डालेंगे थोड़ा सा, और चाट मसाला डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा नमक। अब फिर से हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। ये मिक्स हो चुका है, देख लें आप। अब आपने इतनी सी आंच रखनी है और इस पर फ्राई पैन रखेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे हम, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें जो हमने बनाया था बैटर इसमें डाल देंगे। ये डालने के बाद हम इसको थोड़े से सेट कर देंगे।
हम हरा धनिया डालेंगे। ये हरा धनिया डालने के बाद हम इसे ढक देंगे। और इसको हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर जो हमने अंडे डाले थे वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। देखें, ये नीचे से लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हमने इसके ऊपर प्लेट रखनी है चूल्हा बंद करके इस तरह से, ताकि हम इसको पलट सकें। ये देखें, नीचे से लाइट ब्राउन हो गया और हमने इसको उल्टा करके फिर वापस रख दिया ताकि नीचे वाली जगह से भी थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे चीज। और फिर से हम इसे वापस रख देंगे। अब हम इसे इतनी देर तक बनाएंगे कि इसके ऊपर से चीज सारी मेल्ट हो जाए और नीचे वाला जो हिस्सा हमने अभी पलटा है वो लाइट ब्राउन हो जाए। अब हम इसका ढक्कन उठाएंगे और जैसे चीज सारी मेल्ट हो चुकी है इसके ऊपर, हमने इसके ऊपर काली मिर्च डाल दी है। और अब हम इसको हल्का सा हिला के चेक करेंगे। अगर ये हिल रहा है तो समझे कि ये पक चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारा फुल हेल्दी मील पटाटा पिज्जा तैयार हो गया है। अब हम इसे कट करेंगे। ये देखिए आप अंदर से, ये हमने कट कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।